हाल में चल रहे इस कोरोना काल के समय में व्यापारियों का कारोबार चौपट ना हो, इसके लिए वडोदरा महानगर सेवा सदन ने वडोदरा व्यापार विकास एसोसिएशन के सदस्यों के साथ आज एक महत्वपूर्ण बैठक की, जहां पर व्यापारियों के हित में फैसला लिया गया। साथ ही में व्यापारियों द्वारा नियमों का उल्लंघन करने पर उन्हें पालिका की ओर से दंडित भी किया जाएगा। इस दौरान इस बैठक में मेयर, डिप्टी मेयर, म्युनिसिपल कमिश्नर के साथ कई अन्य अधिकारी और वडोदरा व्यापार विकास एसोसिएशन के सदस्य भी मौजूद रहे थे। राज्य भर के साथ वडोदरा शहर में भी कोरोना की स्थिति गंभीर है, तब वडोदरा महानगर सेवा सदन ने वडोदरा व्यापार विकास एसोसिएशन के सदस्यों के साथ एक बैठक का आयोजन किया, जिसमें पूरे वडोदरा व्यापार विकास एसोसिएशन द्वारा यह सुनिश्चित किया गया कि व्यापारी अच्छे से व्यापार कर पाए और मंदी से बाहर आ सके, जिसके लिए व्यापारी लॉकडाउन से पहले दुकान बंद नहीं करेंगे, जिस पर इस बैठक में निर्णय व्यापारियों के हित में लिया गया ताकि उनका नुकसान ना हो। वहीं वडोदरा महानगर सेवा सदन और पुलिस विभाग द्वारा कड़ी कार्रवाई करने की भी बात कही गई है। यदि दुकानदार और ग्राहक मास्क के बिना और सोशल डिस्टेंसिंग जैसे नियमों का उल्लंघन करते हैं तो उन्हें दंडित किया जाएगा। साथ ही में अगर किसी व्यापारी द्वारा नियमों का लगातार उल्लंघन किया जा रहा है तो दुकान सील कर दी जाएगी। महानगर सेवा सदन की तरफ से पूरे वडोदरा व्यापार विकास एसोसिएशन के दुकानों के बाहर एक स्टिकर लगाए जाने की भी बात कही गई है। गई काले मेयर श्री और कमिश्नर श्री द्वारा समग्र वडोदरा व्यापार विकास एसोसिएशन ने कोरोना की महामारी अंगे आमंत्रण आप सांजे 6 वागे कॉर्पोरेशन अधिकारी चूंटायेली 5 मेयर, डेप्यूटी मेयर, स्टेडिंग कमिटी चेरमेन, दंडक वगैरहनी साथ एक अमरा समग्र वडोदरा व्यापार विकास एसोसिएशन प्रतिनिधियों की मीटिंग थी। अमारी एक मांगनी थी कि अमे स्वैच्छिक बंद नहीं करे, जी रीतना गुजरातना अमुक अमुक शहरों में स्वैच्छिक बंद करने बात थी, ए रीतना अमे स्वैच्छिक बंद नहीं करे और 8 वगैया ने बदले वहलो कर्फ्यू शुरू थाय अमारी इच्छा नती। एनी सामे महानगरपालिका में मेयरश्री और कमिश्नरश्रीए अमने कीधु के नाना नाना व्यापारी में पर्टिक्युलरली गीच एरिया जे मंगल बजार, मांडवी कड़क बजार है के शाक मार्केट संगम 4 रस्ता ए बड़ी जगह जो भीड़भाड़ रहे छेल्ला 1 महीना थी लोग लगभग लिबरल रहा है तो अमे कड़क थीशू। तो अमे कीधु के हाँ, जो कोरोना संक्रमण अटकत हो तो तमे फरी वक्त दंडनीय कार्यवाही शुरू कर सको। अने बन्ने पक्ष द्वारा एक म्यूचुअल अंडरस्टेन्डिंग करवामां आवी, आवती काले शुक्रवार थी ए लोको कड़क पगला लेवाना शुरू करशे। अमुक व्यापारीओना ए लोकोनी पासे विज्युअल हता के आ व्यापारी मास्क नहीं पहेरता, एटले कीधु अमे त्यां पण दंडनीय कार्यवाही करीए तो सील मारीए। एटले अमे गईकाल रातथी समग्र वडोदराना बधा ज व्यापारीओने मेसेज आपी दीधो छे कि मेहरबानी करीने दुकानमां मास्क पहेरजो, सोशियल डिस्टन्सिंगनुं पालन राखजो, मास्क ना पहेरो अने दंड थशे तो अमारी कोई जवाबदारी नथी। हाँ, कोई अधिकारी तमने वगर कारण कनड़कट करतो हशे तो अमे चोक्कस एमनी सामे पगला लईशुं, पण तमारे मेहरबानी करीने मास्क पहेरवानो छे। तमे मास्क पहेरशो तो प्रजानुं रक्षण थशे, आपणे बधा वडोदरामांथी कोरोनाने धीमे धीमे नाबूद करीशुं। साथे अमे ए पण कहेवा माँगीए छीए सरकारश्रीने कि अमे लॉकडाउनने स्वैच्छिक बंदमां એગ્રી નથી થયા, સામે અમે દંડ અને કાર્યવાહીમાં એગ્રી થયા છે, પણ સાથે રાજકીય કોઈ મેળાવડા ના થવા જોઈએ, કોઈ સામાજિક મેળાવડા ના થવા જોઈએ। અને એ કોઈ પણ રાજકીય પક્ષના માણસો માસ્ક વગર હોય એને પણ જેટલા વેપારીઓ પર તમે સ્ટ્રીક રહો એટલા જ એટલા જ તમે રાજકારણીઓ ઉપર પણ સ્ટ્રીક રહેશો એવી આશા રાખું છું। ઓવરઓલ મહાનગર સેવા સદન અને સમગ્ર વડોદરા વેપાર વિકાસ એસોસિએશનની ખૂબ સરસ વિન સિચ્યુએશનની આ મીટિંગ રહી છે। आशा रखिए कि वडोदरामां कोरोना खूब जल्दी नाबूद थाय। अब खबरों से लगातार अपडेट रहना हुआ आसान। BRG न्यूज आपके मोबाइल स्क्रीन पर। आज ही BRG न्यूज की मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और खबरों से लगातार जुड़े रहें।